नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और अभी मैं आया हूँ टंडन स्टेट फार्म पर। बंटी भाई नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भाई, नमस्ते। और क्या चल रहा है मेले में? बस आए हैं प्रदीप भाई कल तो मेले में, अब देखेंगे क्या चल रहा है। कितने क्या घोड़ा घोड़ी लेके आए हुए हो? 8-9 लाए हैं प्रदीप भाई। 8-9 घोड़ा घोड़ी? बच्ची समेत लाए। मंडी में बिजली का कनेक्शन सबसे पहले आपके टेंट में आया, ऐसा क्यों? मैं तो खुद ही हमेशा बिजली का कनेक्शन लेता हूँ, अंधेरे में रहा नहीं जाता यहाँ पे। नहीं तो जैसे आपने मेले में बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपने कनेक्शन लिया है तो ये कैसे लेना पड़ेगा जैसे और भी कोई लोग? इसके अंदर PW इसमें बिजली विभाग में जाके आप अपनी एप्लीकेशन लगा के उसके ले सकते हो। 50 रुपये के स्टाम्प पे कि भाई हमारे को अस्थाई मीटर चाहिए, ये अपना मीटर लगा हुआ है अस्थाई यहाँ पे। अच्छा, तो 24 घंटे बिजली आती है? 24 घंटे की बिजली है मेरे पास। वैसे तो रात रात में ही आती है। वैसे ये जो सरकारी लाइट है ये शाम को 6:30-7 बजे चलती है। ओके, मैंने तो अस्थाई लिया है जो 24 घंटे की है इसमें। तो बंटी भाई एक बार अपना पूरा नाम और फार्म का नाम और बता दो। मेरा नाम साहब बंटी टंडन है, बड़लिया चौराहे अजमेर पे मेरा फार्म है सर। टंडन स्टड फार्म? टंडन स्टड फार्म के नाम से। और कितने क्या घोड़ा घोड़ी लाए हो अभी? मैं साहब 2 तो नर घोड़े लाया हूँ, बाकी बच्चा बच्ची है, बाकी घोड़ियाँ तो नहीं लाया साहब। घोड़ियाँ नहीं लाए? नहीं नहीं, घोड़ियाँ गब्बन है सर। गब्बन है? तो अभी किस लाइन का है ये घोड़ा? ये घोड़ा साहब दाने का बेटा है। दाने घोड़े का बच्चा है? हाँ जी हाँ जी। और हाइट में कितना होगा ये? हाइट में 63 है। 63 है? और उम्र क्या हो गई इसकी? इसकी 4.5-5 साल होगी। 4.5-5 साल? हाँ जी। क्या नाम रख रखा है इसका? शमशेर है जी। शमशेर। तो इसके रिजल्ट वगैरह आ गए क्या? रिजल्ट है साहब मेरे पास में ही एक रिजल्ट। अच्छा, लेके आए हो साथ? हाँ, में साथ ही लाए। तो कैसे आ रहे रिजल्ट वगैरह इसके? अच्छे रिजल्ट है साहब मेरे पास तो, इसके जैसा ही है, इसका बिल्कुल हूबहू बच्चा है। एक जन्नत स्टड फार्म पे पंच कल्याण बच्चा है इसका अजमेर में। ओके। एक अपना गगवाना में चंगेजी भाई है उसके पास में इसका कमेल। तो अपने घर की होम ब्रीड है या कहीं से खरीदा था? मैंने तो साहब ये 2017 में गहरी भाई साहब से खरीदा था पुष्कर मेले में। पुष्कर मेले में? तो इसकी कवरिंग चालू कर रखी है? कवरिंग चालू है जी। क्या फीस वगैरह क्या लेते? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये? आधा धूप आधा छाया में बांधा है आपने इसको है? नहीं, धूप तो अपने आप आ गई, अपन ने तो छाया में ही बांधा था प्रदीप भाई। धूप में पता चल गया आप आने वाले हो। सही है ना, उसकी सर्दी के हिसाब से जब धूप में आना चाहे जब धूप में आ जाए, जब छाया में जाना चाहे छाया। पर ये वैसे भी है ना, ज्यादा सर्दी पड़ती है तो इसके हिसाब से दिन में धूप मिल जाए इसको, रात को तो अंदर कर देते हैं इसे। अच्छा, अंदर कर देते सर? बिल्कुल। ये दूसरा घोड़ा है, इसके पास खड़े रहना है। बंटी भाई इतना दूर दूर क्यों मांगा घोड़े को? नर घोड़े हैं प्रदीप भाई, कल को आपस में भिड़े, क्या मतलब है? कि ये रखवाली के लिए है कि एक घोड़ा इधर एक और इधर बीच में? हाँ हाँ, ये भी मान लो कि रखवाली कर रहे मेरी है। तो ये घोड़ा किस लाइन का है? ये रत्नाकर लाइन का है, बेमिसाल का बेटा है जी। बेमिसाल का बेटा है? हाँ, जो शाहजी पुरुषोत्तम जी के पास में है। और हाइट में कितना होगा ये? हाइट में 64 है जी। 64 है? और उम्र क्या हुई होगी इसकी? इसकी 6.5-7 साल है जी। 6.5-7 साल? इसकी भी कवरिंग चालू कर रखी है क्या? हाँ जी। क्या फीस वगैरह है इसकी? इसकी 11,000 रुपये जी। 11,000 रुपये? और नाम क्या रख रखा है इसका? गज केसरी। गज केसरी? तो दोनों स्टैलियन लेके आए हुए हैं? हाँ जी। तो दोनों एक ही गाड़ी में आ गए थे कि अलग अलग लाना? अलग अलग गाड़ी में। अलग अलग? तो दोनों को अगर एक में ले आते तो क्या होता? फिर हम आपको नहीं दिखते। ऐसी भी बात है क्या? अभी तो नर है तो मेरे लगे 3-4 चक्कर लगाने पड़े होंगे। नहीं नहीं, मैं तो एक अभी एम्बुलेंस बनाई है घोड़ों। अच्छा, वो एम्बुलेंस भी बनाई है ना आपने? चलो, वो एम्बुलेंस लाओ के मेले में? वो सामने खड़ी है। खड़ी है के सामने? चलो वो भी दिखाते लोग। और ये बच्चे है ना? हाँ जी। इसमें तो स्मार्ट लग रहे हो यार, फोटो में क्या बात है टोपी लगा के। अभी वापस से लगा लेंगे टोपी भी। ये वाली बच्ची है? ये साहब द्रोणा की बच्ची है। द्रोणा घोड़े की है ना? दलाल वीरा। क्या उम्र होगी इसकी? इसकी 9 महीने है जी। 9 महीने? चलो। ओके। और ये वाली? ये सिकंदर की है जी। सिकंदर की? सिकंदर कौन सा घोड़ा है? ये संजीव जी बेनीवाल के पास में पीर कामड़िया वालों के। पीर कामड़िया। तो माथे पे पट्टा है ना? पैर सफेद है क्या? नहीं जी, पैर सिर्फ पट्टा ही है। ओके, सब सेल के हिसाब से होगा ना बंटी भाई ये? हाँ जी हाँ जी। रेट सामने आमने सामने आए जब कर ले। बहुत सारे फालतू लोग भी आते होंगे बंटी भाई? बहुत आते हैं सब। कैसे 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 आते हैं? टाइम पास के लिए आते हैं। पूछताछ केंद्र खोल रखा है इनका। मनोरंजन के उसमें बताओ ना जरा, कैसे कैसे लोग आते हैं?
अब मनोरंजन तो क्या है, जैसे कल आए हैं अब पता चलेगा मनोरंजन तो कैसा करते हैं लोग बाग आगे अपने साथ ही। और ये बच्ची ये जहांगीर की बच्ची है जी, जहांगीर घोड़े की। ये गैरी भाई के पास था जब कराई थी इसकी। तो क्या उम्र है इसकी अभी? इसके हिसाब 16-17 महीने। 16-17 महीने। क्या नाम रख रखा है इसका? इनायत है जी। इनायत। इसका तो शायद एक बार वीडियो और बनाया था घर। हाँ, पर ये उस वक्त इसकी माँ के साथ बनाया था जब ये साथ में दिखाई थी कि हाइट दोनों की। अभी आपने दोनों को अलग कर दिया? तो माँ से तो अलग ही करेंगे, उसके पीछे बाहुबली की बेटी है वो। अच्छा, हो गई एक और बच्ची होगी क्या? हाँ, वो वापस कवरिंग पे भी गई हुई है। अच्छा अच्छा, किस घोड़े से करा रहे हो उसको अब की बार? पंजाब से। पंजाब से। और ये वाली? ये साहब काले कांटे की है। काले कांटे की। क्या उम्र हो गई होगी इसकी? इसकी होगी साहब 15 महीने। 15 महीने। क्या नाम रख रखा है इसका? सीरत है जी। सीरत। इसका भी बनाया था सर? नहीं 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 बनाया। और ये वाली? ये पुरानी घोड़ी है साहब खुद की, जब अपने पास कोई भी घोड़ा घोड़ी नहीं थे तब इसको खरीदी। देसी घोड़ी है क्या? देसी है साहब, कोई लाइन नहीं कुछ नहीं। जब आपने जब ये घोड़ी खरीदी थी जब कितने की खरीदी थी? जब इसको मैंने खरीदा 1.5 लाख रुपये खरीदी। 1.5 लाख रुपये में? फिर उसके बाद में कैसे लगा कि लाइन वाले भी घोड़ा घोड़ी रखना चाहिए? फिर ये वही हुआ कि 1.5 लाख रुपये वाली खरीदी प्रदीप भाई, और 1.5 लाख की कीमत 1.5 लाख से 20,000 बड़ी ऊपर। इसके ऊपर बड़ी नहीं है आदमी ने कहा कि ब्याज ज़्यादा नहीं मिला है? ब्याज ज़्यादा नहीं मिला, सबने कहा भाई लाइन के जानवर चाहिए। फिर उस पर ब्याज ज़्यादा मिलने लगा? अभी तक तो कोई मिला नहीं, अब जब मिलेगा तब पता चलेगा मूल और ब्याज भी मिल रहा है मिल रहा। और ये भी बच्ची है क्या? ये बच्चा है साहब, शमशेर का है, दाने का पोता हो गया। घोड़े का बच्चा है? हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी क्या उम्र होगी अभी? इसकी 4 महीने। 4 महीने। तो कितने बच्चे बच्ची लेके आए हो बंटी भाई अभी सेल के हिसाब से? 6 हैं जी। 6? हाँ जी। सब घर की होम ब्रीड? घर की होम ब्रीड। और एक जो है बाहुबली वाली बच्ची वो लाए नहीं अभी, वो आज मंगा देंगे या तो उसको भी ले आएंगे। तो मेले में मेरे को लगता है कि आप जब से मेला लगाए जब से 10 दिन तक तो जगह की रखवाली कर रहे थे शायद। हाँ जी, हाँ जी। अब ये भी क्या है साहब, इनकी भी रखवाली करनी पड़ेगी। ये तो एक दो आदमी तो चाहिए क्योंकि मेले में आदमी बहुत आते हैं। नहीं, पर ये क्या है जैसे हमारे तो मेले के टाइम पे जैसे अब ये बंद रहे हैं, बाकी तो सब अपने अपने कमरों में खुले घूमते हैं। अच्छा, कमरों में बंधने का तो इनका है नहीं। तो जैसे यहाँ बांध देते मेले में थोड़ा सा दिक्कत देते हैं क्या? हाँ, अटपटा तो इनको भी लगता है, ये भी परेशान हो जाते हैं। जो अब पशु दिन रात खुला है तो उसका भी फिर देखता है, तो फिर बंधने का पर थोड़ा इनका मनोरंजन हो जाता है ना, बेचारे घर में बंद रहते हैं लोग बागों को देखते। बच्चे बच्चियों का तो नहीं होता, घोड़ियों का ही हो रहा है मनोरंजन। तो घोड़ियां जा रही हैं सामने से, मनोरंजन यही कर रहे हैं खुद का। फिर रस्सी तोड़ने की कोशिश करता होगा? देखो ये क्या है, मनोरंजन उससे भी हो जाता है, रस्सी भी तोड़ने का तो नहीं करता कोशिश, पर हाँ कूद फांद करने लग जाता है सामने से। कोशिश करता है सेट करने की, पर वो बाजी से हाथ से निकल जाती है। भाई इन तो नहीं सेट कर सकता ना यार, ये तो जो मालिक है वो बता सकता है कि इससे कवरिंग करानी नहीं करानी। घोड़ा तो नहीं बोल सकता कि भाई मेरे से कवरिंग कराओ। बाकी बंटी भाई कॉन्टेक्ट नंबर बोर्ड पे लिखा हुआ है, वही है कॉन्टेक्ट नंबर बोर्ड पे? एक बार आप बता भी दो। 9829114211 है। ओके, थैंक यू बंटी भाई। धन्यवाद प्रदीप जी आपका आने के लिए।